दिवाली का उत्सव पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। पर दिवाली का इतना महत्व क्यों है? क्यों दिया जलाना सदियों से दीपावली में लोग करते आए हैं? भारत के कई प्रदेश में दिवाली 5 दिनों का त्योहार है। लक्ष्मी पूजन, काली चौदस, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। क्या धन और शक्ति की देवी की पूजा तक ही हमारा त्योहार सीमित है? भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के बदले गोवर्धन पूजा करने के लिए लोगों को क्यों प्रेरित किया? भाई दूज के दिन का भाई और बहन के मिलन के सिवा भी कुछ और महत्व हो सकता है? और यह उत्सव के लिए दूज का दिन ही क्यों? साल के इस समय काल में ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों, उपग्रहों और पृथ्वी की गति और वातावरण में बदलाव के कारण मनुष्य की मनस्थिति में परिवर्तन आता है। उसके कारण मन को सकारात्मक दिशा देने के लिए और विजयादशमी के दिन युद्ध प्रयाण के बाद हुए युद्ध के लोगों पर हुए प्रभाव को कम कर लोगों में उत्साह भरने के लिए दिवाली का उत्सव हर साल मनाया जाने लगा, जो जन मनोविज्ञान के हिसाब से भी आवश्यक है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन से दीपावली के उत्सव श्रृंखला की शुरुआत होती है और हर एक उत्सव का वास्तविक महत्व भारतीय संस्कृति को जीवंत रखने के लिए मार्गदर्शक। धनतेरस। लक्ष्मी पूजन के इस दिन लोग घर की साफ सफाई करने के बाद अखंड दिया जलाते हैं, जिसको यम दीपक के नाम से भी जाना जाता है। अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए और मृत्यु के भय को दूर करने की मनोकामना के साथ यह दिया जलाया जाता है। मृत्यु तो निश्चित ही है, तो क्यों न हम ज्ञान का दीपक भी जलाएं और मृत्यु का भय, अज्ञानता को दूर कर सभी को प्रकाशित करें। इस दिन लोग माँ लक्ष्मी का पूजन कर धन को पवित्र लक्ष्मी के रूप में पाने का आशीर्वाद पाते हैं। पुरुषार्थ से कमाया हुआ धन और संपत्ति का परमार्थ के लिए उपयोग करना है। क्या सही अर्थ में लक्ष्मी पूजन नहीं? काली चौदस यानी शक्ति पूजन का दिन, जिसको नरका चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है, महाकाली द्वारा शुंभ निशुंभ का वध और वह शक्ति जिसके द्वारा श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर 16,000 स्त्रियों को मुक्त करवाया, जिसके कारण आनंदित हुए लोगों ने उत्साह से दिए जलाकर धर्म की अधर्म पर विजय का उत्सव मनाया। शक्ति महाशक्ति तब होती है जब धर्म साथ हो, और इसी शक्ति का पूजन है काली पूजन। अयोध्या वासियों ने धर्म और न्याय रक्षक भगवान श्री राम के स्वागत के लिए घर घर दीपक की पंक्तियों से शोभित किए। वही दिन यानी दीपावली, दीप यानी दीपक और बलि यानी पंक्तियां, जिसे हम दीपावली के नाम से भी जानते हैं। इस दिन को व्यावसायिक लोग पूरे साल में हुए लाभ और नुकसान का आकलन करते हैं, पर यह आकलन सिर्फ व्यावसायिक होना चाहिए। राग, द्वेष, ईर्ष्या और कटुता को दूर कर प्रेम, श्रद्धा और आनंद में वृद्धि हो, उसका आकलन भी जरूरी नहीं। एक दिए के जैसे ही परमार्थ पूर्ण जीवन जीना, यानी अंत तक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करना और अज्ञानता के अंधकार से मुक्त करने का संकल्प करना ही अर्थपूर्ण दीपावली। गोवर्धन पूजा और बलि प्रतिपदा। वामन अवतार धारण करके भगवान श्री विष्णु ने राजा बलि को हराया। लोगों को भोग और स्वार्थ की वृत्ति से दूर होकर परमार्थ और संस्कृति की तरफ ले जाने का प्रयत्न किया। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत, जिसने हमेशा से ही गोकुल के लोगों की रक्षा और मदद की, जिसने उनकी जीने की आधारभूत आवश्यकताओं को भी पूरा किया, उसकी पूजा यानी उसकी रक्षा करने का संकल्प किया, यानी पर्यावरण के प्रति आभार भावना रख संरक्षण करने का संकल्प लिया, क्या वो आज के दिन की भी आवश्यकता नहीं? भाई दूज। पुराने काल में अधिक परिवहन सुविधा न होने के कारण भाई का अपनी विवाहित बहन के घर जाकर उससे मिलने के इस दिन को हमारे पूर्वजों ने उत्सव के रूप में मनाने की शुरुआत की। शुक्ल पक्ष की द्विज का चंद्र प्रगति और वृद्धि का प्रतीक है। बहन
अपना भाई ऐसा ही प्रगतिशील और उन्नतिशील बने, ऐसी भावना के साथ भाई को मिलकर अपने घर पर भोजन कराती है। भाई और बहन मिल ना पाए ऐसी परिस्थितियों में दोनों द्विज के चंद्र की पूजा कर बहन भाई की उन्नति के लिए और भाई भी अपनी बहन को प्रेम आदर और सम्मान मिले ऐसी प्रार्थना कर संतोष प्राप्त करते हैं। पर यह उत्सव सिर्फ भाई और बहन के संबंध तक ही सीमित नहीं, परंतु हर एक व्यक्ति के लिए उन्नति की कामना तथा हर एक स्त्री के लिए आदर और सम्मान की भावना की प्रेरणा देने वाला यह उत्सव भाई दूज। महालक्ष्मी, महाशक्ति, परमार्थ कार्य के लिए ज्ञान प्राप्ति, पर्यावरण रक्षा तथा परस्पर शुभ और आदर भाव, इस पांच अमूल्य मूलभूत संस्कारों को जीवन में शामिल कर भारतीय संस्कृति को जीवंत बनाए रखने का संयुक्त सामाजिक प्रयास मतलब दीपावली का उत्सव